तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया। और बढ़ते आगे लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन ने गतिविधियां तेज की है और एक तरफ जहां कांग्रेस की गठबंधन समिति सभी दलों से एक एक कर मुलाकात कर रही है, सीट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है, तो वही दूसरी तरफ आज INDIA गठबंधन के घटक दलों की वर्चुअल मीटिंग चल रही है और इस बैठक में गठबंधन को मजबूत करने, सीट बंटवारे पर रणनीति और इसके साथ ही गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा हो सकती है। इस वर्चुअल बैठक में कई दलों के बड़े नेता शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, RJD से लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत INDIA अलायंस के दूसरे घटक दलों के नेता शामिल है। तृणमूल प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बैठक से उन्होंने किनारा कर लिया है। आपको बता दें कि कल से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस दौरान वो मणिपुर से मुंबई तक यात्रा करेंगे। इससे पहले INDIA गठबंधन के नेताओं की यह बैठक अहम मानी जा रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन की बड़ी बैठक चल रही है और दिल्ली से संवाददाता रवि नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस वर्चुअल मीटिंग से? बैठक शुरू हो चुकी है जी। और लगभग 40 मिनट बैठक शुरू हुए हो चुके हैं और मुख्य रूप से बातें हैं कि इस बैठक में सिर्फ ममता बनर्जी नहीं पहुंची है, बाकी सभी लोग पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस के तरफ से अभी लिस्ट जारी नहीं किया गया है कि इस बैठक में कौन कौन लोग होंगे, का एक चेहरा निकल कर आएगा कि ये इंडिया गठबंधन कैसे चुनाव प्रचार करेगा और इसके संयोजक होंगे तो नीतीश कुमार होंगे, इसकी पुष्टि हो जाएगी जी। और खड़गे जी को नया क्या पद इसमें दिया जाता है वो भी स्पष्ट होगा और किन किन राज्यों के साथ इनका गठबंधन, किन किन पार्टियों के साथ इनका गठबंधन क्षेत्रीय पार्टी के साथ हो रहा है वो भी लिस्ट जारी हो सकता है। तो 28 से 30 हो सकते हैं या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं सहयोगी सदस्य का, ये सारी चीजें अस्पष्ट होगी। हो सकता है कि इस बैठक से एजेंडा ये निर्धारित करें कि किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, हमारा झंडा कैसा होगा और हम कैसे चुनाव प्रचार करेंगे, स्टार प्रचारक कौन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो सकती है। जैसा कि कांग्रेस का पूर्व से निर्धारित अपनी तैयारी है। चलिए बिल्कुल रवि, नजर बनाए रखिए आप इस बैठक पर, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज रूम से सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही थी कि वर्चुअल मीटिंग होगी लेकिन आखिरकार आज ये मीटिंग चल रही है। सबसे बड़ी बात ये कि सीट को लेकर बिहार में लगातार दावे किए जा रहे थे, चाहे वो JDU हो, RJD हो, कांग्रेस हो, कोई भी पीछे नहीं है। तो आज की ये बैठक क्या लग रहा है, सीट बंटवारे पर सहमति बन पाएगी या जो संयोजक की चर्चा हो रही है इसकी घोषणा आज हो सकती है क्या इस वर्चुअल मीटिंग बाद? बिल्कुल रश्मि, जिस तरफ आपने इशारा किया है ये दो मुख्य मुद्दे हैं जिस पर की चर्चा होनी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या संयोजक बनाया जाए, कोई बड़ा पद उनको दिया जाए इंडिया गठबंधन में। जिस तरीके से नाराजगी JDU के अंदर लगातार देखने को मिल रही है, बड़े नेता मुखर तौर पे ये कह रहे हैं इस बात को कि नीतीश कुमार जब सूत्रधार रहे इंडिया गठबंधन का, पहली बैठक नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई पटना में, उसके बाद भी उनको दरकिनार करने की कोशिश की गई, तो अब JDU एक कदम आगे बढ़कर ये कह रही है कि न सिर्फ संयोजक बल्कि उनको तो इस बात का भी ऐलान हो जाना चाहिए गठबंधन की बैठक में कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की भी घोषणा हो जानी चाहिए। तो ये एक अहम मुद्दा है। दूसरा, जो सबसे चुनाव 2024 के चुनाव में BJP पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और अभी भी सीट बंटवारा जो है वो अभी तक फार्मूला क्लियर नहीं हो पाया, तो इसको लेकर भी इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसे समय में जब JDU फ्रंट फुट पर आकर 17 सीटों की खुले तौर पर मांग कर रही है, दावेदारी ठोक रही है, उससे एक सीट भी कम या पीछे की बात नहीं कर रही है, तो इस मुद्दे को लेकर भी, यानी दो अहम मुद्दे हैं इनको लेकर एक ये अहम बैठक है। और जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अभी तस्वीरें
आप दिखाएंगे कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव अभी बैठक में शामिल होने जब निकल रहे थे, हालांकि उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन इस बैठक में 11:30 पर इस बैठक में तमाम बड़े नेता, 14 पार्टियों के नेता जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन पर सबकी नजर रही, वो इस बैठक में शामिल हो गए हैं। साथ में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संजय झा, जो बेहद करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, संजय झा मंत्री हैं, वो इस बैठक में जुड़ गए हैं। तो इस वर्चुअल बैठक में काफ़ी अहम कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें सीट सेटिंग का बड़ा एक मसला है जिसको लेकर तनातनी की स्थिति है। सब पार्टियां, जो बिहार में जितनी भी पार्टियां जो इस गठबंधन में शामिल है, वो अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही है। तो जाहिर है जेडीयू लगातार इस बात को उठा रही थी कि सीट बंटवारे में काफी देरी हो रही है, तो इसीलिए आनन फानन में ये बैठक निर्धारित हुई है और आज ये बैठक बिल्कुल, और बैठक में फैसला लेना होगा अमित, क्योंकि अब समय नहीं है। जेडीयू लगातार कह रही है कि समय बीतता जा रहा है, जल्द से जल्द फैसला लेना होगा, नहीं तो इसका नुकसान हो सकता है। तो आज की बैठक पर नजर बनी रहेगी बिल्कुल, और जेडीयू लगातार, चाहे वो केसी त्यागी हो दिल्ली में बोलते रहे, या बिहार में जो बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, विजेंद्र यादव हो, चाहे खुद ललन सिंह हो, ये सब बार बार इस बात को बताते रहे कि देरी हो रही है, जबकि बीजेपी यानी जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। राम मंदिर का अहम मुद्दा जिसको भुनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, अयोध्या में एक बड़ी तैयारी चल रही है 22-23 जनवरी को जो होने वाला है। तो इसके पहले अगर इंडिया गठबंधन में सीट वाला नहीं हो सका तो इसमें काफी देरी और परेशानी हो सकती है, यह बात जेडीयू बार बार कहती रही है। तो यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण इस मायने से भी है कि अगर जेडीयू की जो दावेदारी है, जेडीयू की जो एक तरीके से कह सकते हैं हिस्सेदारी मांग रही है, वो इस बैठक में उभर कर सामने आएगी। और देखना होगा कि नीतीश कुमार को किस तरीके से कोई बड़ा पद इसमें देने की जो बात हो रही है, जो संभावनाएं दिख रही हैं, क्या कुछ होता है, इस पर नजर रहेगी लगातार। रश्मि जी बिल्कुल अमित, नजर बनी रहेगी इस बैठक पर कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।